नहीं रुकेगी लक्ष्मी आपके घर में जब तक नहीं बदलोगे अपनी ये आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? क्यों खाली जेब आपको शर्मिंदगी करती है? दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे जितनी मेहनत कर ले, हाथ कुछ भी नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपका रहन सहन और रोजमर्रा के काम होते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि माता लक्ष्मी हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में ही वो एक आशीर्वाद के रूप में आती है और उसकी पूरा घर भर देती है। लेकिन माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा घर के पहले दरवाजे से ही होता है, जिसके चलते उस दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहीं माता लक्ष्मी उसी घर में अपने चरण रखती है जहां रसोई साफ सुथरी होती है, क्योंकि रसोई एक ऐसी जगह होती है जहां अन्न देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना उनके अपमान के बराबर होता है। बहुत से लोग अपनी रसोई में गंदे बर्तन फैला कर रखते हैं और सुबह उनको धोते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार उचित तरीका नहीं होता। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे अन्न देवता के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। उधारी का लेन देन। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर अपने संगी साथी या परिवार के लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधारी लेने और देना कई बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मदद करने के रूप में किसी को उधार देने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और आपके घर कभी नहीं आती है। वही शुक्रवार को उधारी लेना या देना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार में दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता, और अगर उस दिन आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन्हें जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में जिन घरों में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहीं माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती जहाँ पर परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो घर में भूलकर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। गलत समय झाड़ू लगाना। मान्यताओं की माने तो सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी इस समय पर झाड़ू लगाने से रुष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम के रूप में आपके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है और घर पर आर्थिक संकट छा जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य की वजह भी मानी जाती है। अगर किन्हीं कारणों के चलते झाड़ू लगानी भी पड़ रही है तो जाए घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। औरतों का अपमान। दोस्तों, जिस घर में औरतों का अपमान होता है या फिर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इतना ही नहीं, माँ उस घर की सुख शांति सब भंग कर देती है। घर की औरतें भी माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए घर की स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग होते हैं। उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएंगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो? ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अनादर न करें और जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। इस समय सोना। शास्त्रों और पुराणों की माने तो सोने के समय निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आज के समय में सब उल्टा चल रहा है। जागने के समय तक लोग सो रहे हैं और सोने के समय जाग रहे हैं, जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिनके जीवन में सोने का समय ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, उनके घर माता लक्ष्मी कभी भी कदम नहीं रखती। शाम का समय भगवान की आराधना का होता है। उस समय अगर कोई सोता है तो ये अशुभ माना जाता है। इससे जीवन और आपके घर में अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है।
जरूरतमंदों का निरादर। दोस्तों, सनातन संस्कृति में दान का एक अनोखा महत्व बताया गया है। केवल तीज त्योहार पर ही नहीं बल्कि समय समय पर जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। ऐसे में कभी कोई जरूरतमंद या भिखारी आपसे कोई मदद मांगने तो आपको हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। अगर आप पैसों से संपन्न हैं, तो आप जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहे हैं। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर कभी नहीं आती है। अगर आपकी स्थितियाँ मदद करने की न हो तो कम से कम उसका अनादर भी न करें। किसी जरूरतमंद के साथ दुर्व्यवहार करने से ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी भी ऐसे घमंडी लोगों का घर छोड़कर चली जाती है। वहीं शास्त्रों के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में बताया है कि जब मनुष्य धन पाने के लोभ में गलत कार्यों को करना शुरू कर देता है तब माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है और कभी भी उसके द्वार पर नहीं आती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग धन की प्राप्ति के लिए टेढ़े रास्ते अपनाते हैं और बेईमानी करके अपनी झोली भरते हैं, ऐसे लोगों के घरों में लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती और भविष्य में वो लोग गरीबी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।